गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, मैंने आपको मात्राएं आ से लेके और तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये तीनों जो चीज है ना, तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। ये जो तीन है ना, तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। तो सबसे पहले मैं आज आपको मैं बिंदु पढ़ाऊंगी। बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुस्वर। बिंदु को जो अंक के कोई भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है उसे अनुस्वर कहते हैं। और इसको जब ये अक्षर के ऊपर लगाते हैं तो इसकी आवाज जो है वो अन की आवाज आती है, और इसका जो उच्चारण है वो नाक से किया जाता है। जिन शब्दों के ऊपर बिंदु लगी होती है जिसको हम अनुस्वर कहते हैं, और आप लोग छोटे हो तो आप इसको बिंदु कहते हैं, वैसे इसको अनुस्वर कहते हैं। और जिन शब्दों के ऊपर, जिन अक्षर के ऊपर ये बिंदु लगाई जाती है तो उसका उस समय उसका उच्चारण जो है अन की आवाज आती है, और इसका उच्चारण जो है नाक से किया जाता है। क्योंकि जब इसको हम बोलते हैं तब इसका हमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये नाक से ही आवाज आती है इसकी। हल्का सा मुंह और नाक से, मतलब मुंह को हमें बड़ा नहीं खोलना पड़ता। जैसे कंस, एक दो बार आप इसको बोलने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि आपका मुंह कितना खुल रहा है और आपकी आवाज कहाँ से आ रही है। कंस, हंस, संगीत, गंगा, पंख, शंख, झंडा, पतंग, अंक, रंग, अंगूर आदि। तो इसका उच्चारण करते वक्त कहाँ से आवाज आती है? इसका नाक का उच्चारण इसका होता है, मुंह से इसका कम होता है। दोबारा से देखो, जैसे कि बोलते समय किसका है? सुन सुन सुन, देखो नाक की आवाज आ रही है। सुन सुन सुंदर, बन बन बंदर, क्योंकि बा के ऊपर ही मात्रा है, बिंदु है, बन बंदर। पा के ऊपर है, पा के ऊपर ही एक अंकी वो है, बिंदु है, अनुस्वर है, पंख पंख पंख। हा के ऊपर आएगी, हा के ऊपर बिंदु आएगा, अनुस्वर आएगा, तो क्या आएगा? हंस। शा के ऊपर आएगा शंख। झा के ऊपर आएगा झन झन झंडा। ता के ऊपर आएगा बिंदु तो पतंग। आ के ऊपर बिंदु है तो अंक अंक। रा के ऊपर बिंदु है तो रंग रंग। फिर आ के ऊपर अंग 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 गूर। तो इसका उच्चारण जो है वो अंग की आवाज आती है और बोलते वक्त, और इसका उच्चारण जो है वो नाक से होता है। बच्चों, ऐसे ही आपके पेज नंबर 35 में है, आज जिन किसी भी अक्षर के ऊपर, आ के ऊपर या किसी भी अक्षर के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु जो है वो अनुनासिक है। ये भी ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इसकी ध्वनि का उच्चारण मुख, मुंह और नाक की सहायता से होता है। यानी कि जब हम इसको बोलते हैं तो इसकी आवाज मुंह और नाक से आती है, पर जब हम ऊपर वाले जब अनुस्वर को, बिंदु को बोलते हैं तो उसकी आवाज सिर्फ नाक से आती है, मतलब उसका ऊंचा उच्चारण जो है वो नाक से होता है। और इसका जो है अनुनासिक का उच्चारण जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। और ये भी जो है अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, चांद बना के उसके ऊपर बिंदु, इसीलिए इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और वैसे ये अनुनासिक है। जैसे चा जमा आ जमा चांद जमा द जमा आ, तो क्या बन जाएगा? चांद चांद। चा चा आ के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया तो क्या बन जाएगा? चांद। सा जमा उ जमा चांद जमा ढ जमा आ, सूंड सूंड सूंड। बा जमा आ जमा
चांद जमा सा जमा रा जमा ई बान बा सूरी बा सूरी बा सूरी सा जमा आ जवा चांद जमा प जमा आ जमा साप सांप सांप। तो बिंदु जो है वो आ के ऊपर है, आगे आगे मात्रा के ऊपर है, इसलिए सांप। शब्दों का उच्चारण घूट घूट पूंछ पूछ ऊट बूट चांद माद फाद कांच चांदनी आचल पहुच आंगन। दोबारा देखो शब्दों का उच्चारण ऊट 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 पूछ घूट बूट चांद माद फाद कांच चांदनी आचल पहुच आंगन आदि। तो बच्चों पढ़िए और लिखिए। मैं 5 बजे उठती हूँ। मैं 5 के ऊपर आगे ऊपर चांद बिंदु। मैं 5 बजे उठती हूँ। मैं दांत साफ करती हूँ। मैं 5 बजे उठती हूँ। मैं दांत साफ करती हूँ। बच्चों अब हम पेज नंबर 38 में से पढ़ेंगे। बच्चों यह भी मात्रा नहीं है, यह वर्ण के पीछे के चिन्ह के रूप में दो दो बिंदु के चिन्ह के रूप में लगाई जाती है और इसका उच्चारण आहा का होता है, इसे विसर्ग भी कहते हैं। जैसे अब देखो पेज नंबर 38 में इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। और ये जो है शब्दों के पीछे दो बिंदु के चिन्ह के रूप में इसको लगाते हैं और इसके जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसके उच्चारण करते वक्त आ की ध्वनि आती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो आ का स्वर हमें लेना होता है। जैसे प्र जमा आ जमा त प्र प्र तह त और विसर्ग है तो हा हा की आवाज आएगी प्र तह। तो जहाँ भी यहाँ पर आपके दो बिंदु लगते हैं, कोई भी वर्ण कोई भी शब्द के पीछे दो बिंदु लगते हैं जिसको हम विसर्ग कहते हैं, तो इसकी इसका उच्चारण जो है जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें हा की आवाज आती है। जैसे शब्दों का उच्चारण अत 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 आता है वैसे अत अत और ये जो विसर्ग है तो अ अथ अथ हा की ध्वनि आएगी, हा की आवाज आएगी अथ। पापों की मात्रा और ना पुन पुन है वैसे ये क्योंकि इसमें विसर्ग लगाए तो क्या आएगा पुनः हा जरूर आएगा पीछे पुनः। अत 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 तत अत 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 फिर उसके बाद त और विसर्ग है अत तह अत तह स्व तह तह के बाद विसर्ग है इसलिए स्व स्व तह। हा की हा का उच्चारण होगा इसको प्र 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 यह प्र प्र यह प्र यह प्रा पापे नीचे रा है आ की मात्रा और या प्र और विसर्ग है तो अह प्रया हा प्र यह फल फल तह ता और विसर्ग है फल तह फल तह। नम 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 के साथ विसर्ग है इसलिए नम 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 हा नम हा हा की आवाज आएगी नम हा। विसर्ग जब भी आएगा, जब भी कहीं भी शब्दों के पीछे विसर्ग लगा होता है तो उसका उच्चारण करते वक्त हा की ध्वनि आती है। दोबारा देखो अतः पुनः अततः स्वतः प्रायः फलतः नमतः आदि नमतः आदि। पढ़िए और लिखिए। कन्नु प्रातः 6 बजे उठ जाती है। वह स्कूल के लिए स्वतः तैयार हो जाती
ए। तो बच्चों इसका बुक में से ही आपको पढ़ पढ़ के इसका उच्चारण करना है। अब मैं आपको दो दो एक्सरसाइज पेज नंबर 29 में से करा रही हूँ। आपको ये सिर्फ बुक में ही भरना है और जो गृह कार्य होगा आपको पांच पांच शब्द आपको लिखना है अनुस्वर के, अनुनासिक के और विसर्ग के, सिर्फ पांच पांच शब्द, तीनों के पांच पांच शब्द आपको लिखने है कॉपी में। और पेज नंबर 39 जो है वो आपको सिर्फ बुक में भरना है। एक्सरसाइज नंबर 1 देखो, डैश केला खाता है। चित्र में देखो बंदर, बन बन बंदर, ये किसके कैसे हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, न उनके और मुंह से ना बोल के हमारे नाक से इसके वो उच्चारण होता है बंदर। मोहन डैश बजा रहा है बांसुरी। हमारा झंडा तिरंगा है। सांप, सांप जहरीला है। चांद रात को निकलता है। राम प्रातः उठता है, प्रातः मतलब सुबह। तीसरी एक्सरसाइज भी देख लो, रमेश डैश में रहता है गांव। शेर जंगल का राजा है, जंगल। माँ सुबह डैश बजे उठती है, पांच। अध्यापिका ने कुछ शब्दों को डैश लिखवाया, पुनः, पुनः मतलब दोबारा। नदी में बहुत सी डैश है मछलियाँ, यहाँ के ऊपर बिंदु क्योंकि ये बहुवचन में आ गया मछलियाँ, मछलियाँ ए। तो बच्चों पाठ को मैं आप यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग बार बार इसका अभ्यास करें, सारी मात्राओं का अभ्यास करें, वर्णों से शब्द बनाओ, मात्रा से शब्द बनाओ और जितना भी पाठ मैंने अब तक पढ़ा है उसको आप सिर्फ पढ़ते रहो। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबके लिए प्रार्थना हम भी करते हैं और आप भी सबके लिए प्रार्थना करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।